हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये मेरा दूसरा ब्लॉग मैं शूट करने जा रही हूँ। मेरे मैन के साथ मैं जुबली पार्क जा रही हूँ, जो जमशेदपुर में पड़ता है। वो एरिया बहुत ही, मतलब वो जो पार्क है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। आप अपने फैमिली के साथ आराम से आके वहाँ घूम सकते हो। गार्ड है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे मैन को वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं, मतलब बहुत ही नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। मेरे पहले वाले ब्लॉग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ आपके पास कोई सजेशन होगा तो मुझे दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ज्ञान की बहुत आवश्यकता है एडिटिंग के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं बहुत नई हूँ फ़िलहाल। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, इनका नाम जमशेद जी टाटा है, और जिनका जन्म 1829 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हुई थी। देखिए कितना बड़ा स्टैचू है। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है, यहाँ साफ़ सुथरे का बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए आपको एक भी कचरा नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है सब, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं। देखिए वो, देखिए फाउंटेन शुरू हो गया है। देखिए गार्ड भी है, पूरी निगरानी करते रहते हैं गार्ड यहाँ पे, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए दृश्य कितना अच्छा है, बच्चों को यहाँ घुमाने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं इनको हमेशा ले जाती हूँ वहाँ पे। चलिए मैं इनको ढूंढते हैं, मैं किधर है अपने डैड के साथ। देखिए वो रहे मैन, वहाँ खेल रहे हैं बैठ के। ओ, मैन के लिए गुब्बारा लेके आए हैं। देखिए मैन को ध्यान से देखिए, मैन क्या कर रहा है। इसे पानी बहुत पसंद है, ये पक्का पानी में जाएगा। या मैंने कहा था ये पानी में जाएगा। इसको पानी देखने से, ये पानी में खेलना, सभी बच्चों को आई थिंक पानी में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मैन, ओ ये क्या हो गया गुब्बारा तो उड़ गया मैन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, दुख तो मुझे लग रहा था कि ओ गुब्बारा अभी अभी खरीद के लाया और वो उड़ गया, हाथों से छूट गया। कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं मैन अभी क्या क्या नई नई मस्तियां करता है। मुझे तो लगता है ये पक्का पानी में खेल के रहेगा। हाँ देखिए, देखिए उसके पाँव को देखिए, बस उसे बहाना चाहिए किसी तरह पानी में जाने के लिए। और इतना पानी देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश है आज। मैं बार बार उसके डैड को बोल रही हूँ कि पानी के पास मत ले जाइए, मत ले जाइए, क्योंकि वायर, देखिए वायर लगे हुए अंदर। मैं अच्छे से इंजॉय कर सके इसलिए मैंने उसके स्लीपर्स भी खोल दिए हैं। देखिए दौड़ रहा है कैसे। बच्चों को कहीं भी ले जाना तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो इधर उधर शांत नहीं रहते, वो सिर्फ भागते रहते हैं। पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज बहुत इंजॉय कर रहा है। अरे वाह, वो देखिए फाउंटेन शुरू हो गए हैं। पर अभी शाम है, उतना रात नहीं हुआ इसलिए लाइटिंग अभी नहीं है, पर दूर दूर से लोग आते हैं ये नज़ारे देखने यहाँ। देखिए मैन भी चला गया सामने। ओ तब तक तो खत्म हो गया। अब देखिए इसकी नई मस्ती, इसे पेड़ के पत्ते तोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए सारे पेड़ों को वैसे ही कर रहा है। हाँ मैंने उसके पापा से कहा कि नीचे उतार दीजिए, उसे इंजॉय करने दीजिए, क्योंकि घर में भी वो फ्लैट में बंद बंद सा रहता है, बाहर घूमेगा अच्छा है। बच्चों को जितना बाहर घुमाया उतना अच्छा है उनके लिए। अभी कोरोना समय में तो सारे बच्चे घर में रह रहे के यही समस्या सारे बच्चों के साथ आ रही है कि वो बहुत लेट बोल रहे हैं कोरोना के कारण।
देखिए मैन कितनी मस्ती कर रहा है आज। इसके बाद हम सब मॉल आए क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी, मतलब शाम हो चुकी थी कि बहुत भूख लग गई थी। चलिए मॉल भी घूमना हो जाएगा और कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। तो देखिए ये है जमशेदपुर का इकलौता मॉल पीएम मॉल। देखिए ये मॉल बहुत ही बड़ा है। इस मॉल के बनने से एक अच्छी बात ये है कि सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है, आपको हर दुकान अलग अलग जाना नहीं पड़ता है। तो चलिए आपको मॉल दिखाते हैं। इस मॉल पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि अंदर क्या क्या है। फ़िलहाल तो मैं बस थोड़ा सा ही क्लिप ले पाई हूँ। चलिए देखते हैं आगे।